हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू ऑल? दिस इज योर अनुराधा मैम। वेलकम टू द टीएमएस होम एजुकेशन यूनिट 2 डे 12 में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम क्या करने वाले हैं? तो सबसे पहले तो आज हम अपने स्वरों का दोहराव कर लेंगे। जो हमने पिछली कक्षा में स्वर अंग आहा पढ़ा था ना, उसका एक बार हम दोहराव कर लेंगे। और उससे पहले भी यहाँ पर एक ऐसा नंबर 9 दिया गया है, आओ समझे। तो हम ये देख लेते एक बार, आओ समझे में क्या दिया गया है। कहानी में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो हमारे जीवन से जुड़ी होती हैं। कहानी में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो हमारे जीवन से जुड़ी होती हैं। आइए अनोखा परिवार कहानी से जीवन के जुड़ाव को समझते हैं। तो अनोखा परिवार कहानी जो हमने पढ़ा था, उसका जीवन से जुड़ा है वो समझते हैं। मेरे दादा दादी, चाचा चाची, नाना नानी सभी मेरे घर आते हैं। जो अमनोरीला के नाना नानी, दादा दादी, चाचा चाची हैं, वो अमनोरीला के घर आते हैं। मेरे परिवार के लोग भी मुझे उपहार देते हैं। इला बता रही है कि मेरे परिवार के लोग भी मुझे उपहार देते हैं। एक बार मुझे भी एक अनोखा उपहार मिला था। फिर वो कह रही है, एक बार मुझे भी एक अनोखा उपहार मिला था। तो आपको भी ऐसे कई उपहार मिले होंगे। तो आपको ऐसा कौन सा उपहार है जो अनोखा उपहार मिला था, तो आप हमें डाउट कॉर्नर पे बताएंगे, है ना। अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, अभी हम जो हमारा स्वर ऐसा नंबर 10 है, इसमें स्वर अंग और आहा दिया गया है, इसका हम एक बार रिवीजन कर लेंगे वापस से। अंग से अंगूर, अंग से अंगूर, अंग से अंजीर, अंग से अंजीर, अंग से अंक, अंग से अंक। यहाँ पर कविता लिखी है, बेल पर लगते मीठे अंगूर, बेल पर लगते मीठे अंगूर, खूब खाते मिलकर लंगूर, खूब खाते मिलकर लंगूर, आह आह खाली। तो आह आह क्या है? खाली है ना, सिर्फ दो बिंदियां हैं। इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों, अभी हम देखते हैं हमारा ऐसा नंबर 11। ऐसा नंबर में 11 में दिया गया है हम सब। तो हमने अभी इस इकाई में 3 कहानियां पढ़ी हैं। कौन कौन सी कहानी पढ़ी है? मेरा परिवार, अनोखा उपहार, फिर हम सब। तो इन तीनों कहानियों में किसके बारे में बताया गया है? अमन के परिवार के, दादा दादी के बारे में, है ना। फिर जो उनके लिए अनोखा उपहार लाए, फिर चाचा चाची बुआ के बारे में बताया। मेरा परिवार कहानी में दादा दादी के बारे में बताया गया, दादा के बारे में बताया गया कि दादी सुनाती मुझे कहानी, दादा बनाते मुझको ज्ञानी। इस तरह से भैया दीदी खेल खिलाते, पापा मम्मी सैर कराते, चाचा चाची कहते हैं प्यारा, बुआ को मैं लगता ग्यारा, माता की आंखों का तारे, सारे घर का राज उलार। तो हमारी इस कहानी में, मेरे परिवार कहानी में क्या बताया गया है कि दादा दादी क्या करते हैं, चाचा चाची क्या कहते हैं, अमन को क्या बोलते हैं चाचा चाची, बुआ क्या बोलती हैं, फिर वह सारे घर का क्या है। इसी तरह से हमने कहानी पढ़ी थी अनोखा उपहार। तो अनोखा उपहार में अमन के दादा दादी आए हुए थे जो उनके लिए अनोखा उपहार लेकर आए थे, और उनके पापा भी उनके लिए अनोखा उपहार लेकर आए थे। इसी तरह से हमने जो नेक्स्ट कहानी है वह हम सब, जिसमें अमन के पसंद के रंगों के बारे में बताया गया है ना। तो एक बार वापस से हम ये कहानी का रिविजन कर लेते हैं। मुझे गुलाल गुलाल का लाल रंग पसंद है, अमन को गुलाल का लाल रंग पसंद है, मेरी माँ को हरा रंग अच्छा लगता है, अमन की माँ को हरा रंग अच्छा लगता है, मेरे पापा को पीला रंग पसंद है, जो अमन के पापा हैं उनको पीला रंग पसंद है, मेरी बहन को गुलाबी रंग पसंद है, जो अमन की बहन है उसे गुलाबी रंग पसंद है, फिर है मेरे दादाजी को नीला रंग पसंद है, जो अमन के दादाजी हैं उनको नीला रंग पसंद है, मेरी दादी जी को बैंगनी रंग पसंद है, तो जो अमन की दादी हैं उनको बैंगनी रंग पसंद है। फिर यहाँ पर देखिए शब्दावली में शब्द दिए गए हैं, हरा, लाल, गुलाबी, पीला, नीला, बैंगनी। यहाँ पर आपको कलर कलर भी दिए गए हैं और कलर के नाम भी दिए गए हैं ना, कलर के पिक्चर दिए गए हैं और उनके नाम दिए गए हैं, जिन नाम को आपको अपनी नोटबुक में लिख लेना है। मैंने पिछली कक्षा में भी आपको कहा था। हम आगे देख लेते हैं। आज के लिए इतना काफी है। अभी हम देखते हैं, अब हम अपनी वर्कशीट में आते हैं। वर्कशीट की बुक ओपन करेंगे, यानी कि हमारी जो कार्य पुस्तिका है, तो कार्य पुस्तिका में आज हम निकालेंगे वर्कशीट नंबर, पिछली कक्षा में हमने वर्कशीट नंबर 11 और वर्कशीट नंबर 12 का प्रश्न नंबर 1 किया था, तो उसी के अब हम प्रश्न नंबर 2 और 3 कर लेंगे, है ना।
तो एक एक मैं आपको करके दिखा देती हूँ, बाकी के आपको करना है। तो जैसे कि हमने यहाँ पर सर्कल किया था, गोला लगाया था शब्दों पर, तो अभी हमें इन्हें पेंसिल से पहले तो इसमें दोहरा लेना है, पेंसिल यानी कि ट्रेसिंग कर लेनी है, फिर उनको शब्दों को और पिक्चर को मिलाना है। जैसे ये क्या है, अंक है, तो यहाँ पर पहले तो हम सब ट्रेसिंग कर लेंगे। फिर हमें इनको चित्रों से मिलाना भी है, तो क्या है अंक है, तो इसे हम अंक से मिला देंगे। फिर है अंगूर, तो अंगूर से मिलाएंगे। अंजीर है, तो अंजीर से मिलाएंगे। इसी तरह से प्रश्न नंबर 3 में भी आपको क्या करना है, इसमें आपको पहले तो ट्रेसिंग कर लेनी है अच्छे से, फिर आपको जो भी कलर अच्छा लगता है तो आपको इसमें कलर फिल करना है। इस तरह से आपको पहले ट्रेसिंग कर लेनी है अच्छे से, फिर आपको इसके अंदर जो भी आपको कलर पसंद है वो कलर आपको इसके अंदर फिल कर लेना है। इस तरह से हमारी वर्कशीट नंबर 11 कंप्लीट हो जाएगी। फिर वर्कशीट नंबर 12 में भी हमें सेम करना है, जैसे हमने प्रश्न नंबर 1 में किया था, यहाँ से शब्द खोजकर यहाँ पर गोला लगाया था, तो आपको प्रश्न नंबर 2 एक की तरह ही प्रश्न नंबर 2 में सर्कल करने, एक में करके दिखा देती हूँ। जैसे यहाँ पे अरे, तो हम अरे में सर्कल करेंगे। इसी तरह से बाकी के जो शब्द दिए गए हैं, तो आपको इनमें से शब्द पढ़ के यहाँ पर गोला लगाते जाना है। ओके बच्चों, भी हम आगे बढ़ते हैं। तो बेटा इस तरह से हमें वर्कशीट नंबर 12 कर लेनी है, और वर्कशीट नंबर 11 को जो 3 है इसमें आपको कलर करना है। ये आपका होमवर्क है कि इसमें कलर करना है अच्छे से। नेक्स्ट है जो आपका होमवर्क है, नेक्स्ट वो है आपको जो हमने हमारी कहानी पढ़ी है हम सब, आपको ये वाली कहानी एक बार अच्छे से पढ़ने की कोशिश करना है और घर में सुनाना है ना। अभी आपको इसमें जो भी कुछ समझ में नहीं आता है तो आप हमसे डाउट कॉर्नर पे पूछ सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद, हैव अ गुड डे।